हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के लक्षण और इसके मेडिसिन के बारे में। पिछले कुछ सालों में किडनी के रोगी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई बार सही जानकारी नहीं होने के कारण ये देर से इलाज के कारण बहुत से रोगियों की मौत हो जाती है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है किडनी फेल होने के बारे में तो कुछ जानकारी देने की, ताकि समय पर रोगी को इलाज मिल सके और उसकी ज़िंदगी को बचा सके। क्या होता है किडनी फेल होने के लक्षण? हमारे शरीर में दो गुर्दे यानी किडनी होते हैं, जिनका मुख्य काम रक्त को छानकर विषैले पदार्थ को मूत्र यानी यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर करना है। इसके अलावा किडनी के अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, शरीर के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, रेड ब्लड सेल को प्रोडक्शन को रेगुलेट करना। जब किडनी विषैल पदार्थों को किसी कारण से बाहर निकालने में असमर्थ होती है तो उसे किडनी फेल होना कहते हैं। किडनी फेल होने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक रेनल फेलियर, जब अचानक से किडनी विषैले पदार्थों को निकालना बंद कर दे, या क्रोनिक रेनल फेलियर, जब किडनी बहुत लंबे समय से अपना कार्य न कर पा रही हो। यही इसका दो कारण हो सकता है किडनी फेल होने का। आइए अब जानते हैं इसके कारणों के क्या कारण हो सकते हैं। अचानक किडनी में रक्त की सप्लाई कम हो जाना, उल्टी, दस्त, पसीना या किसी अन्य कारण से भी शरीर में पानी की कमी होना यानी डिहाइड्रेशन होना, किसी दवाई के साइड इफेक्ट के कारण, कम पानी पीने के कारण, चलने के कारण, शरीर में पानी की कमी होने से, किसी बीमारी के कारण जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी स्टोन आदि, ब्लडर या यूरेटर में कोई रुकावट आने के कारण, यानी यूरिन वापस किडनी में ना जाता है जिससे किडनी डैमेज होती है, हाइपरटेंशन, गलत खान पान के कारण। और इसके आइए जानते हैं लक्षण। अक्सर कुछ लोगों की आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, जो कि किडनी के कार्य में रुकावट आने का संकेत होता है। इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। आंखों के नीचे सूजन आना, हाथ पैरों में और चेहरे पर सूजन आ जाना, थकान लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, कमजोरी लगना, भूख कम लगना, वजन कम होना, रात में बार बार पेशाब आना, पेशाब में खून आना, पेशाब की मात्रा कम या ज़्यादा होना, रक्त की कमी यानी अनीमिया की शिकायत होना, नींद ठीक से ना होना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। आइए आप जानते हैं इसके होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या हैं। इसकी पहली दवा है होम्योपैथिक में किडनी रोगों के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, जो रोगों को शारीरिक और मानसिक लक्षण देखकर दी जाती है। इसमें से कुछ मेडिसिन के बारे में जानकारी दे रही हूँ। किडनी रोग एक गंभीर रोग है जिसमें सही समय पर इलाज नहीं मिलने पर रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। अतः स्वयं इलाज करने की चेष्टा ना करें। इसकी पहली मेडिसिन एपिस मेलिफिका। पूरे शरीर में सूजन रहती है, खासकर चेहरे और आंखों पर सूजन आती है, पेशाब में रुकावट होती है जिससे बार बार पेशाब जाने की चाह बनी रहती है, परंतु पेशाब कम मात्रा में आता है, प्यास नहीं लगता है, पसीना नहीं आता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब में एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाती है, रोगी को गर्मी सहन नहीं होती, कभी कभी पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है, सिर, कमर और हाथ पैरों में दर्द रहता है,
पेशाब में झाग और बदबू भी आने की शिकायत होती है। इसकी अगली मेडिसिन है कैंथ्रिस। पेशाब में जलन के साथ खून जाता है, पेशाब बूंद बूंद कर होता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। कभी कभी तो दो दो मिनट बाद ही जाना पड़ता है। पेशाब करने के पहले, करने के समय और बाद में काटता हुआ दर्द होता है, जलन होती है, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस यानी किडनी में सूजन। एल्बम इसकी तीसरी दवा है प्लम्बम मेट। पेशाब बार बार लेकिन कम मात्रा में आता है। पेशाब की स्पेसिक ग्रेविटी कम होती है। पेट में तेज दर्द होता है। यह दवा किडनी रोगों के बढ़ने से रुकती है। यह क्रोनिक इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस नामक बीमारी जिससे किडनी के ट्यूब के बीच में सूजन आ जाता है, इस स्थिति में इसे उपयोग किया जाता है। इसकी चौथी मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। पेशाब करने में जलन होती है। पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है मानो अभी कुछ पेशाब ब्लडर में ही रह गया है। पथरी का भयंकर दर्द होता है। पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। पेशाब में पस सेल और म्यूकस पाया जाता है। पेशाब करते समय जांघों में दर्द होता है। दर्द पीठ से लेकर आगे पेट तक होता है। और इसकी अगली मेडिसिन है एपोसाइनम। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। पेशाब कम आता है जिससे पूरे शरीर में सूजन रहती है, बेचैनी रहती है और बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। अगली मेडिसिन है टेरी बिंद। पेशाब में मीठी सी गंध आती है। पेशाब बूंद बूंद आता है जिससे खून भी आने लगता है और जलन होती है। यह ब्राइट डिजीज, नेफ्राइटिस, एल्बू मिनोरिया आदि किडनी के सभी रोगों में बहुत उपयोगी है। पीठ में किडनी की जगह धीमा धीमा दर्द होता है। चलने फिरने से तकलीफ कम होती है। गहरे रंग का धुआं छोड़ने वाला पेशाब आता है। ये किडनी रोगों को प्रथम स्टेज में उपयोग किया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये मेडिसिन और बीमारी काफ़ी यूजफुल लगेगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा।